जय हिंद जय भारत दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय YouTube चैनल सैनिक वेलफेयर वन में, जो देता है आपको बहुत ही अच्छी और रोचक भरी जानकारियां जो होती है आपके लिए और आपके अपनों के लिए फायदेमंद। तो दोस्तों, आज मैं एक फिर से अच्छी जानकारी लेके आया हूँ कि एक और खुशखबरी, डीए 28 से 31% होना तय। यानी कि दोस्तों, कुछ दिन पहले केंद्रीय कर्मचारियों और हमारे पेंशनर्स के लिए एक खुशखबरी सुनाई थी केंद्रीय सरकार ने या भारतीय सरकार ने कि अभी जो महंगाई भत्ता है वो 17 से 28% कर दिया गया है। कोरोना काल में काफी लंबे समय यानी 1.5 साल के लंबे समय के बाद ये खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई थी कि कोरोना काल की वजह से सरकार ने डीए को फ्रीज कर दिया गया था। वो 17% की दर से ही पिछले 1.5 साल से मिल रहा था, लेकिन अभी सरकार ने घोषणा करके ये 17% से 28% उस डीए को कर दिया है। लेकिन अभी जो महंगाई भत्ते के सूचकांक की वजह से अभी ये 28 से 31% होना तय हो गया है। आखिर में न्यूज क्या है, ये खुशखबरी क्या है, तो बढ़ते हैं जानकारी की तरफ कि ये न्यूज है क्या। महंगाई भत्ते में होगी 3% की बढ़ोतरी, 31% हो जाएगा डीए। जुलाई से महंगाई भत्ता यानी कि डीए डीआर में 3% बढ़ोतरी तय हो गई है। जनवरी 2021 से 28% डीए निश्चित हो चुका है। 3% बढ़ोतरी के बाद 31% डीए हो जाएगा। इसका लाभ करीब 80 लाख केंद्र कर्मियों के अलावा सभी राज्य के कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को भी मिलेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई 2020 में 336, अगस्त में 338, सितंबर में 340, अक्टूबर में 344, नवंबर में 345, दिसंबर में 342, जनवरी में 2021 में 340, फरवरी में 343, मार्च में 344, अप्रैल में 346, मई में 347 अंक रहा। जून का भी सूचकांक आ गया है जो 350 रहा। इस तरह से 12 महीने का औसत सूचकांक 342.90 अंक है। वेतन एवं पेंशन निर्धारण के विशेषज्ञ एजी ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने बताया कि सूचकांक के अनुसार महंगाई भत्ता 31.18% होगा। डीए पूर्णांक में लिया जाता है, ऐसे में जुलाई से डीए 31% दे होगा। जनवरी में डीए 28% निर्धारित हो चुका है, ऐसे में जुलाई से डीए में 3% बढ़ोतरी तय है। बड़े डीए का लाभ जुलाई से मिलेगा, हालांकि इसकी घोषणा में 1-2 महीने का वक्त लग सकता है। डीए 28% डीए देने की हो चुकी है घोषणा। कोविड संक्रमण की वजह से आर्थिक मोर्चों पर जूझ रही सरकार ने जनवरी 2020 से डीए एवं डीआर फ्रीज कर दिया था। उस समय डीए 17% था, जैसा कि मैंने अभी बताया। पिछले महीने ही सरकार ने जुलाई से 28% डीए देने की घोषणा की है। कई विभागों में इसी महीने के वेतन से 28% डीए मिलने भी लगेगा। डीए में अब 3% की और बढ़ोतरी होगी जो जुलाई से दे होगी। हालांकि इसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा या नहीं, इसे लेकर सरकार की घोषणा का इंतजार है। तो दोस्तों, यह है खुशखबरी कि अभी डीए जो है महंगाई भत्ते के सूचकांक के हिसाब से, जो मैंने सूचकांक आपको महीने के हिसाब से बताया कि ये सूचकांक महंगाई के हिसाब से अब होता है, तो उस सूचकांक के हिसाब से जुलाई से 3% डीए मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो डीए जो है 28 से बढ़कर अभी 31% हो जाएगा, जिससे अभी जाने वाले पेंशनर्स को और सर्विस करने वाले कर्मचारियों को काफी लाभ होगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी, कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मेरे साथ कंटिन्यू बने रहने के लिए कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छी और नई न्यूज के साथ में आपके साथ में बना रहूं। जय हिंद जय भारत दोस्तों।